अंकल ने तुझे पूरा वो बनाया पोपट। गुड इवनिंग गाइस, तो यार आज हम जा रहे हैं विरासत और मेरे साथ आज कंपनी देंगे ऋषि जो कि एकदम तैयार है। अभी ब्लर आ रहा है यार, रात के 9 बज चुके हैं और आज वैसे लास्ट डे है विरासत का, तो सोचा देखा है बाकी विरासत है क्या चीज़ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। विरासत एक कल्चरल इवेंट है जो कि देहरादून में हर साल होता है। इस इवेंट में आपको काफ़ी सारे क्लासिकल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े परफॉर्मर्स आते हैं अपना परफॉर्मेंस देने, और यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स भी होते हैं। आर्ट फॉर्म्स में आपको काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क, काफ़ी सारा फर्नीचर और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, पर आज चांसेस बहुत सारे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। भाई ये जितनी भी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सब विरासत के लिए आई है। तो सोच लो कि मतलब समझ सकते हो कि तुम लोग कितना बड़ा इवेंट होता है मतलब देहरादून में। वैसे भी ये 2 साल बाद हो रहा है क्योंकि वो कोविड की वजह से हो नहीं पाया था, तो मतलब काफ़ी वो है, मतलब यार अच्छा इवेंट होता है। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अभी जाके ना। भाई भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ, ऊपर से लास्ट डे है तो उस चक्कर में शायद और ज़्यादा भीड़ है। यहीं कहीं ऋषि लगा दे मैं तो कह रहा हूँ। अंकल ने निकाल ली स्कूटी, हम लगाएंगे यहाँ स्कूटी। अरे हमें लगा निकाल अंकल, अब हम ढूंढेंगे। अंकल ने तुझे पूरा वो बनाया पोपट। भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है भाई, पार्किंग की सिर्फ स्कूटी के लिए जगह नहीं मिल रही है। देखते हैं कहीं दूर लगानी पड़ेगी शायद। शायद ये लोग निकाल रहे हैं शायद। चलो फाइनली जगह मिली है भाई, किस्मत थी अपनी बढ़िया। लेट्स गो नाउ, चलो यही से चलते हैं। हाँ यार यही से चलो, काफी दूर गाड़ी खड़ी ये है विरासत है अंकल, अलग ही विरासत हो रखी है भाई। हम तो शुरू ही फूड काउंटर से कर रहे हैं। आइए बट लास्ट दिन मत आइए। तो यार ये जो ऑडिटोरियम है ना, यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मतलब पूरा एक शेड्यूल होता है उस हिसाब से आते हैं लोग। तो ये ऐसे इवेंट चलता रहता है पूरा कल्चरल इवेंट। और बाकी काफ़ी सारी शॉप्स हैं यार, भीड़ बहुत ज़्यादा है आज तो। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह होती है, दिखाता हूँ बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत जितना हो पाया। ये भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, तो अभी से फील आ चुका है आते ही, और अभी मुझे अंदर तक लेकर जा रहा है स्टार्टिंग तक। चल लो आपकी हाइट ज्यादा अच्छी है, आप अब रिकॉर्ड करें। अरे कितनी शांति मिलेगी आपको। ये है हमारी मम्मीज फेवरेट शॉप, आई गेस सभी की मम्मी की फेवरेट शॉप होंगी।
गया इनके तो आए। क्या दिन थे भाई बचपन के, मजा आ रहा है देखने में, बहुत ही मस्त यार। और हम कोशिश करते थे जहाँ ये ग्रीन स्लाइड है इसके ऊपर से चढ़ देगी, सुधरे हुए बच्चे हैं बहुत मस्त, अपने उससे चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए। पर भाई लिटरली अलग ही मजा है इस चीज का। चलो भाई अब चला जाए, तुम्हें दिखानी थी जगह, दिखा दिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब ओके भाई, लो नजारे, बाय बाय।